तो भाई प्लेस्टेशन 5 से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, मतलब इतना पुराना है कि जब हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था और PS5 लॉन्च हुआ था तो डे वन पे हमने प्लेस्टेशन 5 की अनबॉक्सिंग की थी और वो वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, इवन IGN तक वो वीडियो पहुंच गई थी। तो भाई आज हमारे पास है प्लेस्टेशन 5 स्लिम, मतलब सोनी ने इसे डायरेक्टली प्लेस्टेशन 5 स्लिम तो नहीं बोला है, बट हाँ ये जरूर बोला है कि न्यू डिजाइन का प्लेस्टेशन 5, जो कि ऑब्वियसली स्लिमर है अपने पुराने वाले प्लेस्टेशन 5 से, हम तो इसे स्लिम ही बोलेंगे। और ये स्पाइडरमैन 2 वाला बंडल है, स्पाइडरमैन 2 एडिशन नहीं बोलेंगे, स्पाइडरमैन 2 का बंडल बोलेंगे, बिकॉज इसमें स्पाइडरमैन 2 गेम का आपको कोड भी मिलेगा। तो ये वाला PS5 देख सकते हो, अभी इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है, ये बाहर ही लॉन्च हुआ है, तो ये US से इंपोर्ट कराया गया है। और ऑब्वियसली अगर इसे आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल में आपको दे दूंगा, आप भी परचेस कर सकते हो। बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, फटाफट से इसका बॉक्स ओपन करेंगे, ये वाली वीडियो में अनबॉक्सिंग और सेटअप आप देखोगे, अगली वीडियो में प्रॉपर गेम प्ले वगैरह भी दिखाएंगे और अपने पुराने PS5 फैट से भी इसका कंपैरिजन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये भी बोलने की चीज यार, प्लीज कर दो यार, इतना जुगाड़ करके ला रहे हैं आपके लिए इतनी एक्सक्लूसिव चीजें, तो प्लीज सब्सक्राइब तो करिए आप लोग यार, है ना। चलो फटाफट से इसको ओपन करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है हमारा प्लेस्टेशन 5 स्लिम। हमारा पुराना वाला डब्बा वो देखो भैया, इसके आगे इतना बड़ा है, ये देखो, ये हमारा पुराने PS5 का बॉक्स है और ये हमारा PS5 स्लिम है, दोनों का साइज डिफरेंस देख लो भाई, ओहो काफ़ी काफ़ी अच्छा खासा है साइज डिफरेंस। तो गाइज ये रहा हमारा PS5 स्लिम वाला बॉक्स, और कई बार ये चीज़ें बोल चुका हूँ, खैर मैं, चलो फटाफट से अब डब्बा ही खोल लेते हैं यार, देरी किस बात की। डब्बे के सामने यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से रहती है PS5 की, इतनी बड़ी ब्रांडिंग यहाँ पे, 8K और 4K 120 FPS की ब्रांडिंग यहाँ पे, HDR की ब्रांडिंग, और इस साइड में सोनी लिखा हुआ है, और इधर हमारा प्यारा सा PS5 स्लिम वाला कॉन्सोल बना हुआ है, एंड सामने यहाँ पे स्पाइडरमैन 2 की ब्रांडिंग की गई क्योंकि ये स्पाइडरमैन वाला बंडल है। इसके साथ आपको स्पाइडरमैन 2 गेम का कोड मिलेगा जो कि आप अपने PlayStation स्टोर पे जाके रिडीम कर सकते हो। एंड इधर आ जाए तो यहाँ पे भी स्पाइडरमैन की आपको ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे PS5 लिखा हुआ है, ऊपर यहाँ पे आपको PlayStation का लोगो मिलता है, और यहाँ पे भी अगेन PlayStation 5 लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखा जाए तो स्पाइडरमैन 2 लिखा हुआ है, इधर अगेन सोनी की ब्रांडिंग, राइट साइड में यहाँ पे कुछ इसके स्पेक्स लिखे हुए हैं और इसमें क्या क्या रहेगा बॉक्स के अंदर, जो कि मैं आगे आपको दिखाई दूंगा। यहाँ पे हमारा PlayStation स्लिम वाला कॉन्सोल बना हुआ है और इधर कूपन कोड बना हुआ है कि ये चीज़ें रहेंगी डब्बे में। तो डब्बा खोल के देख लेते हैं भाई क्या क्या रहता है, नहीं, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हैंडल नहीं दिया है जो कि बहुत अच्छा था, पिछली बार इन्होंने हैंडल दिया था तो वो काफ़ी सही था, इस बार हैंडल नहीं दिया है, तो बहुत ही ध्यान से इसे हमें खोलना होगा। ओके, इसको फाइनली हमने निकाल लिया है, ये बहुत ही वीक है भाई, बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ता है, नहीं तो फट जाएगा, क्योंकि मेरे पुराने वाले PS5 का ये थोड़ा डैमेज हो गया है। ऑलराइट, तो सोनी की तो हमेशा की परंपरा है भाई कि डब्बे के अंदर डब्बा होना चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हो PlayStation का लोगो यहाँ पे दिया गया है, और देखते हैं इस डब्बे में क्या क्या है। ओके, ये इधर से खुलेगा, अच्छा इधर यहाँ से खोलेंगे, यहाँ पे देख सकते हो हमारे को पावर केबल मिल जाती है 2 पिन वाली, और जैसा कि मैंने बताया ये बाहर वाला यूनिट है तो इसलिए इसकी पावर केबल कुछ इस तरीके की रहेगी, एंड ये शायद स्टैंड का क्लिप है हॉरिजॉन्टल रखने के लिए, आई डोंट नो ये कैसा है भाई साहब, प्लास्टिक का स्टैंड का क्लिप दिया है इन्होंने, अब ये कैसे लगेगा ये देखने वाली बात रहेगी। एंड एक HDMI ऑब्वियसली 4K वाला हमारा मिल जाएगा, उसके बाद एक USB Type-A to Type-C, अरे सॉरी Type-A to Type-C नहीं है, यहाँ पे USB Type-C to Type-C केबल है भैया, ओहो गेम चेंज कर दिया इन्होंने यहाँ पे, सही है। एंड ऑब्वियसली हमारा कंट्रोलर, ये रहा हमारा कंट्रोलर, तो देख सकते हो कंट्रोलर तो सेम है, जैसे पिछली बार भी हमारे PS4 स्लिम का वर्जन आया था तो उसमें कंट्रोलर सेम था, बस कंसोल चेंज हुआ था, तो कंट्रोलर एक ही बार डिज़ाइन करते हैं यार, बिकॉज एक बार हाथ पे सेट हो जाता है कंट्रोलर, बार बार डिज़ाइन चेंज करना सही नहीं रहता मेरे हिसाब से, तो कंट्रोलर ये रहेगा हमारा नॉर्मल जैसा हमेशा रहता है वैसा ही है कंट्रोलर। ऑलराइट, तो ये तो था पहला पार्ट, अब इसके नीचे होगा हमारा कंसोल। ओ भाई देख के एक्साइटमेंट बढ़ रही है, माय गॉड, अरे कितना पतला है, दैट्स व्हाट शी सेड। ओके, ओ भाई साहब ये तो एकदम हाथ में आ गया, ये देख रहे हो, बाकी एक डब्बा खाली है, इसके अलावा डब्बे में कुछ भी नहीं है, इसको रखते हैं साइड में। एंड ये अंडे की ट्रे में रखा हुआ था जैसा कि आपने अभी देखा होगा, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। सो इसके साथ ये वाला कूपन कोड हमारे को मिल जाता है, देख ही सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो स्क्रैच हियर फॉर पिन, पिन यहाँ पे रहेगा इसका, तो अब ये सही है क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते थे तो ये गलती से कोड वगैरह ना दिख जाए इसकी टेंशन होती थी, अब ये सब हिडन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाएं तो यहाँ पे हमारे को कुछ यूज़र मैनुअल मिल जाती है, देख सकते हो काफ़ी मोटी चौड़ी पुस्तकें हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो स्टैंड वगैरह शायद कैसे लगाना है वो सब यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हम खुद से करेंगे यार, हम क्यों देखें यूज़र मैनुअल। सो इतनी सारी चीज़ें तो हो गई, अब खोल लेते हैं अपने PS5 को भी। ओ हो हो भाई साहब क्या ही बात है यार,
अरे अरे भाई, अरे यार क्या मस्त लग रहा है भाई। सामने दो टाइप सी इजेक्ट बटन हटा दिया है। अच्छा यहाँ पे इजेक्ट बटन, ओके। अरे वाह, बैक साइड में देख सकते हो, बैक साइड में कुछ ये चीज़ें हैं। तो भैया इतनी सारी चीज़ें रहती है हमारे डब्बे के अंदर, और ये स्टैंड देख के मेरे को हंसी आ रही है भाई। मतलब क्या प्लास्टिक का दिया है यार, रहने देते इससे अच्छा। बट देना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये देखो ऐसे मैंने रखा हुआ है ना इसको हॉरिजॉन्टली, तो ये ऐसे हो जा रहा है, मतलब ऐसे हो जा रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए इसको दिया है इन्होंने। और इसका जो स्टैंड है मेटल वाला नीचे का लगाने का, वो यहाँ से लगेगा, वो आप अलग से बाय करना पड़ेगा आपको, वो डब्बे के साथ नहीं मिलता है। और आप इसका फिनिश देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये ग्लॉसी फिनिश है और नीचे वाला एरिया जो है वो मैट फिनिश है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे भाई प्लेस्टेशन का छोटा सा प्यारा सा लोगो है, एंड ये कट बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सामने की तरफ देखा जाए तो सामने यहाँ पे देखो दो टाइप सी पोर्ट हैं ये दोनों, और एक पावर बटन है। आप कहोगे इजेक्ट बटन कहाँ है, तो इजेक्ट बटन यहाँ पे है, देखो ये है इजेक्ट बटन हमारी, डिस्क इजेक्ट यहाँ से होगी आपकी। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो बीच का कर्व है ये बहुत प्यारा लग रहा है, और ये भी ग्लॉसी फिनिश है। एंड राइट साइड में यहाँ पे भी प्लेस्टेशन का जो स्क्वायर ट्रायंगल एक्स वाला लोगो है वो बना हुआ है, एंड इधर तो नहीं बना हुआ है। पोर्ट्स की बात कर लें तो पावर कॉर्ड का एक पोर्ट मिल जाता है, दो आपको हाई स्पीड यूएसबी वाले पोर्ट मिल जाएंगे, लैन पोर्ट मिल जाएगा, एचडीएमआई पोर्ट मिल जाएगा। चलो कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम से और देखेंगे कैसा रहता है। एंड डिटैचेबल डिस्क मिलता है तो वो सब चीज़ें करके देखेंगे, है ना। चलो जी, तो हमने HDMI के थ्रू TV से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, और नीचे पावर केबल भी यहाँ पे प्लग कर दी है। एंड इसका HDMI थोड़ा सा सेंटर में दिया गया है, देख सकते हो। चलो इसको ऑन करते हैं, देखते हैं ऑन करने पे क्या क्या हमको दिखता है। फर्स्ट टाइम जब आप इसे बूट करोगे तो आपको PS बटन नहीं, आपको यहाँ पे पावर बटन प्रेस करनी होगी। और पावर बटन प्रेस करते यहाँ पे सामने देख सकते हो ब्लू LED जल रही है, एंड हमारे पुराने PS5 में ऊपर जलती थी और यहाँ पे देख सकते हो नीचे जल रही है। तो ये थोड़ा एक चेंज है जो कि अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हमारा ऑन हो जाता है PS5, एंड हमेशा की तरह जैसे हमारे अदर PS5 सेटअप के लिए स्टार्ट होते हैं, ये भी उसी तरीके से स्टार्ट होता है। एंड ऑलमोस्ट सेटअप भी पूरा सेम है, तो मैं दिखाई देता हूँ क्या क्या सेटअप मैंने किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने कंट्रोलर्स को केबल से कनेक्ट किया, PS बटन दबाई, एंड यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह मैंने सेलेक्ट करके अपने वाईफाई से कनेक्ट करा लिया अपने PS5 को। एंड टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते ही हमको यहाँ पे मिल जाता है एक सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि अराउंड 2 GB का था, तो इसे भी मैंने अपडेट कर लिया। एंड यहाँ पे एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली, यहाँ पे डिस्क ड्राइव भी अपडेट हो रहा था और ये रजिस्टर्ड भी हुआ। तो यहाँ पे डिस्क ड्राइव अपने आप अपडेट और रजिस्टर्ड हुआ, मैंने उसे भी कंप्लीट कर लिया। और जैसे ही डिस्क ड्राइव अपडेट हुआ मुझे सामने ये मैसेज देखने को मिला, उसके बाद डायरेक्टली मुझे साइन इन का स्क्रीन देखने को मिलता है, और बारकोड यूज करके मैंने डायरेक्टली इसमें साइन इन कर लिया। एंड फिर डायरेक्टली हम अपने PS5 के होम स्क्रीन पे आ गए, और सबसे पहले मैं गया सेटिंग्स में और मैंने चेक किया स्टोरेज वाला ऑप्शन, बिकॉज जैसा कि आप लोगों को पता है कि PS5 स्लिम आता है 1 TB स्टोरेज के साथ में, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हो स्टोरेज हमारा 1 TB का है, एंड ऑब्वियसली यूजेबल हमारा सिर्फ 848 GB है। 1 TB की स्टोरेज तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्टोरेज एक्सपेंशन का भी ऑप्शन मिलता है, M.2 का स्लॉट यहाँ पे हमारा दिया है, जैसे हम फेस प्लेट हटाएंगे उसे भी देख लेंगे। सो या गाइस, इस तरीके से रहता है हमारा PS5 स्लिम, एंड लिटरली मैन इट लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और बहुत ही स्लीक और एथेस्टिक सा लग रहा है, देख सकते हो सामने से भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब बात करें हम सिर्फ कॉन्सोल की, बिकॉज कंट्रोलर में तो कोई चेंजेस रहता नहीं है, यू नो दैट। सो देख सकते हो बाकी हमारा कॉन्सोल बहुत अच्छा लग रहा है यार दिखने में ही, एंड या मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि अभी मेरे सामने PS5 स्लिम है। एंड अभी कुछ ही दिनों पहले बाहर कंट्रीज में लॉन्च हुआ, इंडिया में भी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, तो बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स वगैरह दे दूंगा, कॉन्टेक्ट करके बाय कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको। तो इसके चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें चेंज ये है कि भाई 1 TB इंटरनल SSD इसमें रहती है, और उसके अलावा दो टाइप सी पोर्ट सामने की तरफ आपके रहते हैं, एंड उसके बाद डिस्क इजेक्ट का जो बटन है वो यहाँ पे दे दिया गया है, देख सकते हो। एंड यह ऑब्वियसली दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है, पावर बटन सिंगल ही है बीच में। एंड इसकी फेस प्लेट जो है ना, अब वो 4 पार्ट में है, अब इन चारों पार्ट का नाम दिया है प्रॉपरली सोनी ने। जैसे ये पार्ट हो गया हमारा क्रॉस, ये हो गया सर्कल, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया ट्रायंगल, ऐसे इन चारों पार्ट का नाम है। सबसे मेन हाईलाइट इस कंसोल की बात कर लें तो ये आता है डिटैचेबल डिस्क रीडर के साथ में, मतलब इसका डिस्क रीडर आप डिटैच कर सकते हो। इसका डिजिटल वर्जन भी आया है जिसमें आपका ये डिस्क रीडर नहीं रहता है, और उसमें आप अलग से डिस्क रीडर लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज सोनी ने करी है, जिनका बजट अभी डिस्क वाला खरीदने का नहीं हो पा रहा है, वो डिजिटल बाय करके आगे फिर से डिस्क रीडर खरीद के उसमें ये डिस्क रीडर लगा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये वाली फेस प्लेट मुझे लग रहा है अलग से मिलेगी,
और ऊपर की फेस प्लेट तो दोनों में ही सेम रहने वाली आई थिंक, मुझे लग रहा है ये नीचे की ही फेस प्लेट सोनी अलग से सेल करेगा। और सोचो ये ब्लैक एंड व्हाइट में अगर ये फेस प्लेट आ गई, नीचे का ब्लैक ऊपर का व्हाइट, तो बहुत आई थिंक प्यारा लगेगा। एंड ऑब्वियसली चलो हम भी डिस्क रीडर को एक बार डिटैच करके देखते हैं, फेस प्लेट्स वगैरह को हटा के देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे हमको जो स्लॉट मिलता है M.2 का, वो भी हम चेक करेंगे कि वो कैसा स्लॉट रहता है। सो भाई ये रहा हमारा PS5। अब इसके फेस प्लेट्स को हटाते हैं। देखो इसके फेस प्लेट हटाने का अलग तरीका है, जैसे हमारे फैट का था ना ऊपर की तरफ पुल करना था, ऐसा नहीं है, इसका थोड़ा डिफरेंट है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर आप ये लोगो के साइड हो तो ये लोगो बॉटम लेफ्ट साइड में आपका अगर है तो यहाँ पे आपको ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है, ये ऐसे निकल गया, ठीक है। सेम इस वाले के साथ भी आपको करना है, सेम ऐसे ही यहाँ पे पकड़ के, इसमें 3 क्लिप्स हैं, 1, 2, 3, यस ये भी निकल गया इजीली, और कोई भी प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, हल्का ऊपर की तरफ आपको खींचना है, ये इजीली निकल जाएगा। नाउ इधर के फेस प्लेट हट गए, अब आते हैं अपने डिस्क वाले साइड का। हाँ गाइस, तो ये भी देख सकते हो इस तरीके से निकल गया है। एंड ये जो डिस्क डालने वाला पोर्शन है ये आपको सामने के ऊपर की तरफ रखना है, ये चीज़ याद रखो आप लोग। देखो इजीली 3 क्लिप्स हैं इसके भी, इजीली ये निकल गया, एकदम इजी है गाइस। बिल्कुल भी मतलब ऐसा कुछ अलग से प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का जहाँ भी क्लिप्स हैं वहाँ पर आप प्रेशर करोगे तो ये ईजिली निकल जाएगा। एंड ये रहा हमारा डिस्क रीडर, एंड यहाँ पर हमारी M.2 वाली SSD लगेगी जो कि हम लगा के अपना स्टोरेज एक्सपेंड करते हैं। एंड इसको निकाल लेते हैं डिस्क रीडर को अपने, देखो इजीली एकदम आराम से ये निकल जा रहा है, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये निकालने के लिए ही बना हुआ है कि आप इसे निकाल के भी यूज़ कर लो। एंड यहाँ पे हमने डिस्क रीडर को निकाल लिया है, एंड देख सकते हो ये उसके बिना डिस्क रीडर के ये कैसा दिखता है, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बिना डिस्क रीडर के ये कुछ ऐसा दिखेगा, और काफ़ी प्यारा और बहुत ही पतला दिखता है। एंड बिना डिस्क रीडर के आप ऐसे भी चला सकते हो इसको, अगर ऐसे ही ले जाना चाहते हो कहीं कैरी करके तो ऐसे भी आप ले जा सकते हो नॉर्मली, बिकॉज सिर्फ डिस्क रीडर नहीं काम करेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका जो डिस्क रीडर होता है ना वो रजिस्टर्ड होता है, जैसे इस कॉन्सोल के साथ अभी ये वाला डिस्क रीडर रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। अब इसको अगर आप दूसरे कॉन्सोल में यूज़ करना चाहते हो तो उसको आपको अनरजिस्टर्ड करना होगा पहले, फिर उसके बाद आप दूसरे में यूज़ कर पाओगे। तो या इसको वापस से हम लगा देते हैं, लगाने का भी सेम तरीका है। पहले ये देख सकते हो ये जो क्लिप्स हैं इसको आपको यहाँ पर ऐसे डाल देना है, ऐसे डालोगे एंड जेंटली पुश कर दो, बस लग गया इजीली। और इसके बाकी जो फेस प्लेट्स हैं वो भी कुछ इसी तरीके से लग जाएंगे, तो इसको पहले हम ऐसे अप्लाई करके बस ऐसे लगा देंगे। तो इसे भी पहले यहाँ पे आप देखो ये जो क्लिप्स हैं इसको आप इसमें डालो ऐसे, फिर सिंपली 2 क्लिक होगा, ये अदर साइड करते हैं इसको, ये साइड पे लगाते हैं। सो ये लोगो यहाँ पे देख सकते हो कटआउट दिया हुआ है, तो ये आइडिया लग जाएगी ये इधर लगेगा। एंड ये वाला पोर्शन पहले ऐसे डाल लेना है, ये भी फिक्स हो गया। एंड अगेन हमने फिर से देख सकते हो वापस से असेंबल कर दिया है इसको। एंड या इस तरीके से इसके फेस प्लेट्स निकलते हैं। आप लोग अगर निकालना तो केयरफुल निकालना, मैंने नीचे ये लगा रखा था, आप लोग भी ओपन करना तो, क्योंकि ये ग्लॉसी स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो नीचे जो भी सॉफ्ट सर्फेस पे ही इसे ओपन करना। आगे बढ़ने से पहले पुराने वर्जन का PS5 भी लाएं भैया, उससे भी थोड़ा देख ले हाइट वाइट में क्या डिफरेंसेस हैं। और हाँ, इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ PS5 फैट वर्सेस स्लिम, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो ये रहा हमारा भैया PS5 फैट पुराना वाला। देखो भाई दोनों कितने गजब लग रहे हैं, सामने सामने रख लेते हैं एक बार को, देख लो भाई काफ़ी हाइट डिफरेंस है, एकदम बराबर ही मैंने रखा है। एंड थिकनेस में भी ये काफ़ी पतला है, ये तो स्लिम है ये फैट है। अब स्लिम स्लिम का कंपैरिजन कर लेते हैं, जी हाँ PS4 स्लिम वर्सेस PS5 उसको बिठा लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा PS4 स्लिम, और देख सकते हो PS4 स्लिम तो नॉर्मल सा था, काफ़ी पतला सा था ये, एंड अब ये है PS5 स्लिम। तो ये एक्चुअली में स्लिम था, अब ये जो PS5 इन्होंने निकाला है ये कहीं ना कहीं PS4 फैट से भी थोड़ा सा मोटा ही है अभी भी, बट फिर भी यार इसमें हार्डवेयर काफ़ी अच्छे खासे दिए गए हैं, एंड ऑब्वियसली थोड़ा पावरफुल है इससे तो उतना तो थोड़ा भाई मोटा रहेगा। सोचो एक गेमिंग PC जो 4K में गेमिंग कराता है वो कितना मोटा चौड़ा होता है, तो एक तरह से इन्होंने अपने हद तक बहुत ही कोशिश की है कि इसको पतला करें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया, अच्छा है, बिकॉज परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस हमको पूरी मिलनी चाहिए, भले थोड़ा बहुत मोटा दे दें चलेगा अपने को, है ना। अच्छा अभी भी चलो एक्सबॉक्स भी उठा लेते हैं, ये लो जी एक्सबॉक्स भी ला लिए। अब ये हमारा एक्सबॉक्स सीरीज S है, और ये है हमारा PS5 स्लिम, देख सकते हो आमने सामने दोनों
काफी बढ़िया लग रहा है। ये तो थोड़ा छोटा है, मतलब ये कई लोग इसको देख के कंफ्यूज जाते हैं कि ये टीवी का सेटअप बॉक्स है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये रेडियो जैसा डिजाइन है। इमोशनल डैम इट। तो ये रहा हमारा एक्सबॉक्स सीरीज एस एंड PS5 स्लिम। अब सबको रख लें क्या साथ में? चलो वो भी कर लेते हैं यार। सो ये लो जी, सारे कॉन्सोल जितने हैं अभी मेरे पास, सब मैंने अभी यहाँ पे रख दिया है। PS5 स्लिम, PS4 स्लिम, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड PS5 फैट। सारे कॉन्सोल में सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताओ। ऑब्वियसली PS5 स्लिम तो मुझे अच्छा लग रहा है यार। तो देख सकते हो ऐसे हैं कॉन्सोल हमारे, जितने भी कॉन्सोल यहाँ पे दिख रहे हैं सबका कंपैरिजन वीडियो ऑलमोस्ट मैंने डाल रखा है। PS4 वर्सेस एक्सबॉक्स का डाल रखा है, PS5 वर्सेस एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का मैंने डाल रखा है, वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आने वाला कंपैरिजन ऑब्वियसली हमारा PS5 वर्सेस PS5 स्लिम का रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ कर लेना इसलिए। और सॉफ्टवेयर में भी कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए। सॉफ्टवेयर में जब आपका PS5 ऑफ होता है वहां पे आपका ये वाला PS5 बन के आता है, पहले हमारा पुराना वाला बन के आता था। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस नहीं है और परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है सिमिलर ही रहने वाली है। और थोड़ा सा आवाज की बात करें तो आवाज बहुत ज्यादा ये वाला PS5 नहीं करता है। अब जैसे हम इसमें डिस्क डालते हैं, ये अभी ऑन है, आवाज कर रहा है, माइक से आपको आवाज आ रही होगी, तो सिर्फ इतना सा ये आवाज करता है ये इसका डिस्क रीडर। मजा आया कि नहीं ये बताओ ये कंसोल देख के, बिकॉज मेरे को तो यार यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे हाथ में भी PS5 स्लिम, बिकॉज इंडिया में अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है और ये हमारे पास है। तो या बहुत अच्छी बात है यार, चलो फर्स्ट वीडियो इंडिया की आई गेस। चलो जी, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।